प्राचीन गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और इर्जी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार गीता प्रेस पहुंचकर निरीक्षण कर जायजा लिया तथा गीता प्रेस से जुड़े लोगों से विचार विमर्श किया और महामहिम के आगमन से लेकर उनके आने से लेकर जाने तक के बारे में जानकारी ली। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद 4 जून को गीता प्रेस में आगमन हो रहा है। यहां पर एक भव्य कार्यक्रम होना है। उनकी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस एक बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ से हमारी भी यादें जुड़ी हैं। यह एक ऐसा स्तंभ है जिसका पूरे विश्व में कोई शानी नहीं है। इस अवसर पर ADG अखिल कुमार, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, DIG जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव एवं गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार एवं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, सर यहाँ से चलेंगे, यहाँ लोग हमारे कस्टमर को जो लोग रहेंगे जिनसे बच्चे उपस्थित रहेंगे, 2-3 ऊपर पहले पहुंच जाएंगे जिसकी उम्र ज्यादा है, और बाकी लोग हमारे मेंबर 11 से 12 अगस्त से ये चल ही रहे हैं। 11-12 लोग यहाँ लाइन में ठीक है। सर यहाँ से आएंगे, यहाँ से चल नाम ही यहाँ तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ जो है यहाँ लगा रहेगा वो ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से वो पूरा उसके दिखाई पड़ने के लिए यहाँ हमारे जितने कर्मचारी लगभग 400 हैं वो यहाँ रहेंगे। सर ADG उनको देखने के लिए रहेगी और वो यहीं से उन अभिवादन का स्वीकार करेंगे। प्रेसिडेंट साहब जी, प्रेसिडेंट साहब तो वेव करेंगे। हाँ वेव करेंगे, बस प्रणाम करेंगे। हाँ प्रणाम जो भी है बस, उसके बाद फिर वो यहाँ। कितने लोग होंगे करीब? लगभग 430 आदमी या 400 महिलाएं भी हैं। नहीं महिलाएं ये सब हट जाएगा, सारा टोटल ये हमारा पूरा हॉल है हट जाएगा। पेंट वेंट हो रहा है सर इसमें, और गेट इसमें आने का दूसरा है। ये माल कहाँ ले जाएंगे? सब हमारे पास गोडाउन है। टोटल इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसमें हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, चर्चा वगैरह के। और ऐसा नहीं हो सकता है जैसे ये गलियान रखी है प्रिंटेड मैटर, 3-4 रैक्स हो जाए जैसे कि यहाँ पर देखने को मिले कि आप प्रिंट क्या करते हैं, ठीक है सर। और उसी के पीछे जो है जो आप ये जो शीट्स आती है जो भी आती है वो थोड़ा बहुत पीछे लग जाए, तो मतलब पेपर आया और प्रिंट किया ये इस तरह का एक एक्सप्लेन कर सकिए, ठीक है सर। ये जैसे ये सुंदर लग रहा है कल्याण, यहाँ सुंदर लग रहा है, आप ही की कल्याण है जो कि देश में क्या पूरे विश्व में जो पड़ जाती है, ये चीज़ आ जाए। हाँ
ठीक है सर, इस फोन यहाँ अंधेरा है समाज की लाइट वगैरह समाज की नहीं मतलब साठ रुपए का पेपर सर, सर उसके बाद ये है ये जो यहाँ पर पूरा कार्पेट लगा है बहुत दरवाजा है ये एरिया तो सुंदर है ना जी, बड़ा सा है ये खुल जाता है और इधर भी है सर, इधर खुल जाता है दरवाजा खुलता है। यहाँ उतरे अंदर, फिर वहाँ उतरेंगे तो पहनने में उनको असुविधा है। मैंने पूछा फिर इसके बाद, इसके बाद इतनी हमारा लीला चित्र मंदिर है, ये एसी नहीं है, ये एसी यहाँ कुछ टावर ऐसे लगवा दो, कुछ टावर ऐसे लगवा दो नाम है ये आगमन वहाँ स्वागत करके वहाँ स्वागत करके बच्चे बढ़ा देना कहाँ वही नीचे सर जो 10-12 लोग खड़े हैं ठीक है इतने लोग का फिर ये लीला जी का मंदिर का होगा कैसे ले जाएंगे बस यहाँ से आठ से आए आए सर ये 29 अप्रैल 1955 को इसका उद्घाटन डॉक्टर शादी के पेपर उनका कोई चित्र चित्र उनका कोई पत्थर उनका कोई तीन पत्थर हमारे हमारे संस्थापक का भी कहीं कोई चित्र नहीं है लेकिन उनका एक और है संस्थापक कौन है जय जय और तो उनका भी कोई चित्र नहीं है। तो ये जो पूरी चीज बनी है जिस 1956 में किस तारीख को 29 अप्रैल 1955 को इसका जैसी उस समय बनी थी उसी तरह से है ये केवल फर्श बन दी गई है पूरा आदोलन प्रचोदन मतलब ये श्री राम लीला है कि भगवान राम प्रभु बन गए हैं ये बोले कुमारे हैं वैदेही का मर हुआ है जटायु का मर हुआ है भाषण हुआ है लाली से लाली कुमारे हैं तारे हैं लोका जलाए हैं और दोनों में बेसिक मुझे ये लग रहा है कि आपकी इस कम से कम 25 मिनट लगेगा जी सर, ये जो सर टाइमिंग आपने रखा है 1 घंटे का तो थोड़ा बढ़ा लीजिए यहाँ 20 मिनट कितना रखा है यहाँ पे 15 मिनट हाँ यहाँ देखने के लिए 6-7 मिनट हो गए कैसे हो पाए सर। इसमें एक चीज़ बताया था सर, इसमें कि एक एक भगवान राम है कृष्ण लीला है और एक भगवान राम लीला की तरफ है, दोनों के बेसिक अंतर है। भगवान राम का आदर से यूसुफ अटेंड हुई और भगवान कृष्ण का यूसुफ अटेंड से उसके बाद भारत की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो बात सही है, थोड़ा सा टाइम रिवाइज ये पहली फ्रेश है यहाँ पर कुछ और विशिष्ट हमारे जो प्रथम हैं पांडुलिपि यहाँ कुछ हमें लग रहा है दाल पत्र पर हमारे पास यहाँ बस पुरानी दाल पत्र पर इम्पॉसिबल 1 घंटे का हमको टाइम मिला तो वो हम बढ़वा दें जी ठीक है। इस तरह से सर ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने हमने ज़्यादा ही भेजा था, हमने ज़्यादा भेजा था लेकिन उन्होंने 1 घंटा किया तो इसी को भी समानुपाती हमें काटना पड़ा। कई लोग जी 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 हैं इसलिए हम लोग की ये वो है कि मतलब फायर का एक बार पूरा चेक हाँ नहीं ठीक कर ये सर भगवान राम से लेकर ठीक तो बहुत सालों बाद जी जी आपको क्या सर उसका 5 किलोमीटर क्या
और पूरी ऊपर की खुली हुई है सर, हमारी ऊपर जो है वो दो है चौपाई है ऊपर लिखी हुई, भगवान जी का छत में पहुँचने देते हैं और उनका स्पर्श किया तत्पर सब सुधी का तंधा गई कुछ भाग के हाँ, और ये जो है स्पर्श के साथ हमारा काम किया था और वो ठीक हो गया तो अभी सोफा जगह है ये किचन 120 हो जाएंगे सर, और वो जो गैलरी है सर वहाँ पे भी एल ई डी स्क्रीन लगा के और लोगों को टोटल 350 कुर्सियाँ होंगी। अभी अंदर कितनी हो रही है? अभी यहाँ पे 150 हो रही, 150 हो रही है लॉन में 150 के ऊपर, 150 क्यों ज़्यादा हो जाएंगे? सोफा दिया था प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर गीता प्रेस में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली एवं सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अपने सुझाव दिए, जिसके ऊपर हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने को तैयार हैं। उनके आगमन किस तरीके उनके आगमन का जो भी रूट है वो सब शासन का है। इसके तहत हमारे गीता प्रेस के अंदर आने के बाद जो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है वो सारा राष्ट्रपति भवन को भेजा गया है, वहाँ से स्वीकृति आने पर उसी अनुसार सारे कार्यक्रम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी के जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसके मानक तय होते हैं, हम पूरी मानक के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराएंगे और उसकी तैयारी अभी से ही शुरू की जा चुकी है और उसी का आकलन और जो तैयारियां देखने के लिए सभी अधिकारी यहां आए हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सकुशल संपन्न कराएंगे। ये भी सुनिश्चित कराएंगे कि आम जनता को या ट्रैफिक को और एम्बुलेंस इत्यादि के मूवमेंट में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, आम जन को कोई कठिनाई ना हो, साथ ही साथ VVIP कार्यक्रम सुरक्षित तरीके से संपन्न जी। आदरणीय राष्ट्रपति जी 4 जून को गीता प्रेस में आप लोगों के गीता प्रेस की तरफ से इनविटेशन पर आ रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम की तैयारी में मुझे प्रमुख सचिव पर्यटन को और ADG लॉ एंड ऑर्डर साहब को भेजा है। हम लोग अभी मगहर से आए हैं और यहाँ अब गीता प्रेस आकर फिर गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे। गीता प्रेस तो बहुत खूबसूरत जगह है, हमारी अपनी भी बहुत सारी यहाँ से यादें जुड़ी हैं। ये एक ऐसा स्तंभ है जिसका कि कोई सानी नहीं है पूरे विश्व में और आज पुनः इस जगह को देखकर मुझे अच्छा लगा है। यहाँ की तैयारियों का हम लोग जायज़ा ले रहे हैं, आप लोग स्वयं सक्षम हैं, मजबूत और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, एक चुनिंदा ऑडियंस भी यहाँ रहेगी, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा और राष्ट्रपति जी की अगवानी के लिए हम लोग तैयारी के लिए यहाँ पर सभी चीज़ देखने आए हैं।